आज तक 2 साल हो चुका है मेरे वीडियो देखते हुए और आई होप मेरे सब व्यूअर्स ने वन शॉट और रेड नंबर्स वाला चीज में तो मास्टर कर ही ले होंगे। बट क्या आप लोग वन वर्सेस वन में भी परफेक्ट हो चुके हो? और क्या आप में वो काबिलियत है जब आप लाइव में खेले हो और आपके ओपोनेंट को आप लोग 7-0 मार सके? इफ नहीं तो चलो आज इस वीडियो को फुल तक देखो। आप लोगों को मैं डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ वन वर्सेस वन का स्ट्रेटेजीज, रिफ्लेक्सेस, हाउ टू मैनिपुलेट योर ओपोनेंट और भी बहुत कुछ। तो चलो सबसे बेसिक चीज से अभी शुरू करते हैं। और बेसिक चीज में आप लोग के पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस को मैच के टाइम में थोड़ा साइड में रखना है और एक्साइटमेंट को एकदम जगाना है। अब आप में से कुछ व्यूअर्स बोलेंगे, ब्रो मैं तो लाइव में खेलते वक्त हर बार एकदम नर्वस हो जाता हूँ और मैच को एकदम 7-0 से हार जाता हूँ, अब इसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या जेरोक्स भाई? अब नर्वसनेस का बात करो तो ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देके हटके जाने वाला चीज नहीं है, ये आपका अंदर का फीलिंग्स है जो आप लोग खुद कंट्रोल कर सकते हो। बट मेरे पास एक मस्त सा ट्रिक्स है। चलो मानो कि आप लोग लाइव में खेले और आप लोग नर्वस हो रहे हो, यहाँ पर आप लोगों से एक बड़ा वाला गलती हो गया है। क्या है कि आप लोग हर बार लाइव में खेलने से पहले आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है। अब आप लोग बोलोगे ये तो पूरा मक्खन लगा रहा है आज, ये ऐसा नहीं है। आप लोग जब भी किसी यूट्यूबर्स का हाइलाइट्स वगैरह देखते हो तो आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और आप लोगों के अंदर का जो डोपामिन होता है वो रिलीज हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया जरूर ट्राई कर लेना है क्योंकि इससे आपका नर्वसनेस एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो चलो मजाक से हटकर मेन लाइन पर आते हैं आज का वन वर्सेस वन टिप्स एंड ट्रिक्स में। और हाँ, इस दुनिया में बस दो ही टाइप्स का प्लेयर है, एक मेरे जैसे मूवमेंट प्लेयर जो कि जाकर खुद मारता है और कभी कभी मरता भी है बट अपना फ्री स्टाइल स्किल्स दिखाकर सबको फिदा कर देता है, और दूसरे नंबर पे आते हैं एक्यूरेसी प्लेयर्स जो कि एंग्री भाई जैसा। ऐसा प्लेयर्स क्या करते हैं कि पूरा फोकस एक्यूरेसी पर, मूवमेंट वगैरह गया भाड़ में, बस जीतना है तो जीतना ही है। और हाँ, इसमें एडवांटेजेस वगैरह भी है, आप लोग टूर्नामेंट्स वगैरह भी जीत सकते हो, जैसे कि एंग्री भाई ने NPL का टूर्नामेंट जो जीता था। तो चलो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला प्लेयर्स बनना है। तो चलो आप लोग कमेंट में बता दो कि आपको कौन सा वाला प्लेयर बनना है, एक्यूरेसी या मूवमेंट। तो दोनों ही टाइप का प्लेयर्स का आज मैं स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं एक्यूरेसी प्लेयर, हाउ टू बिकम एक्यूरेट प्लेयर सो वी कैन डिफीट एवरीवन विद 7-0। चलो मानो कि आप लोग एक्यूरेसी प्लेयर बनना चाहते हो और अभी आप लोग खेले हो वन वर्सेस वन, ओपोनेंट में एक प्लेयर है और आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि ओपोनेंट प्लेयर कैसा खेलता है, एक्यूरेसी प्लेयर है या मूवमेंट प्लेयर है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको 2-3, 2-4 ग्लूवा लगा के आगे जाना है, प्रिटेंड करना है कि आप लोग रस कर रहे हो, बट डोंट लेट योर गार्ड डाउन, आपको मरना नहीं है ओके। और आपको उसके बाद पीछे जाना है एकदम कवर में रह के, और इतने वक्त में तो आपको पता चल चुका होगा कि ओपोनेंट प्लेयर मूवमेंट प्लेयर है या एक्यूरेसी प्लेयर है। अगर वो मूवमेंट प्लेयर होगा तो आपके लिए इजी होगा। मूवमेंट प्लेयर का क्या होता है, मूवमेंट प्लेयर वॉल लगाता है और फिर जंप करता है, जंप करते करते आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगी जंप करते करते मारने का। तो आप थोड़ा वक्त तक उसके माइंड से खेलो और जब सही टाइम निकलता है ना तब आप उसको इजीली मार सकते हो। ऐसा एंग्री भाई भी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में कहा था, तो आप लोग ये सुन लो। कहना है उसको, तो फिर आप दिखाओ रश करके आप खेल रहे हो, तो अगर वो बंदा फिर थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा ही, तो उस टाइम पे आप थोड़ा होल्ड एंड प्ले के साथ खेलना, मतलब इतना ही समझ लो कि सामने वाले बंदे को आपको कैसे भी करके कंफ्यूज करके बंदे को मारना है। तो आई होप आप लोग ने सुन लिया होगा, और आप लोग को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखो, तो ये है एंग्री भाई का लाइव मैच का गेम प्ले, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला स्ट्रेटजी यूज करते हैं एंग्री भाई। सामने मूवमेंट प्लेयर है ठीक है, तो यहाँ पे भाई ने एक ग्लूवा लगाया, फिर से ग्लूवा लगाया, थोड़ा नचा रहा है और स्विचिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट थोड़ा टाइम होल्ड करके भाई ने यहाँ पे गजब तरीके का हेडशॉट मारा है। तो आप लोग फिर से ये देखो, पहली बात तो एंग्री भाई ने किया यहाँ पे होल्ड, और दूसरी बात ये बंदा निकल गया जंप करके। अब हेडशॉट मारने का मौका किसको मिला, दोनों ही बंदे को, बट एडवांटेज किसको मिला, एंग्री भाई को, क्योंकि बंदा जो ऊपर जंप कर रहा है इस भाई ने ऑलरेडी एक गलती कर चुका है जो कि जंप करते करते प्रेडिक्ट फायर लेना था एंग्री भाई को, तो वो नहीं किया। अब भाई के पास नो ऑप्शन, अभी भाई मरने वाला है क्योंकि एंग्री भाई जो सालों से यहाँ पे वेट कर रहा है कि कब आएगा और मारूं, और रिजल्ट बूम कंग्रेचुलेशन। तो कुछ ऐसे खेला जाता है अगर आप लोगों को एक्यूरेसी प्लेयर बनना है, तो पहले तो आप लोगों को रश करने का एक्ट करना है, थोड़ा पीछे जाना है, मूव्स वगैरह चेंज करते रहना है, और ओपोनेंट को कंफ्यूज करके थोड़ा थोड़ा मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड करके मौका मिलते ही आप लोगों को मारना है। तो अभी बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे जो कि होने वाला है मूवमेंट प्लेयर।
हाउ टू बिकम द फास्टेस्ट मूवमेंट प्लेयर सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट आवर मूवमेंट. मूवमेंट प्लेयर यानी कि फ्री स्टाइल प्लेयर. अगर आप लोग को इस टाइप का प्लेयर बनना है तो आप लोग गेम को जीतने के लिए खेलोगे, ये वाला सोच आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई जीतने के लिए खेलने का दबाव है ही नहीं. जीतने के लिए होल्ड करके खेलना नहीं, बल्कि खेलते खेलते स्किल दिखाते दिखाते आपको जीतना है. अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्या दिखाओ भाई, क्या ही तो दिखाओ, मेरे पास कुछ है ही नहीं. अरे यार, अभी 2024 है और अभी तक बहुत सारे फ्री स्टाइल ट्रिक्स आ चुके हैं, जैसे कि स्पिनर ग्लोवाल जो मैंने निकाला है, और फ्लाइंग ग्लोवाल, जंप हेड शॉट, टोर्नाडो, अरे बहुत कुछ है. तो सबसे पहले तो इन सब ट्रिक्स में आपको पहले मास्टर्ड कर लेना है, यानी कि सब ट्रिक्स आपको आना चाहिए. और हर एक ट्रिक अप्लाई करके आप लोग खेलते हो एक ही मैच में, तो बंदा जो ओपोनेंट रहता है इतना कंफ्यूज रहता है कि आपका मूवमेंट प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा. और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट प्लेयर जीत ही नहीं सकता. मूवमेंट करते करते खेल के जीतने में तो और भी ज़्यादा स्वाद है. चलो आप लोगों को पहले मैं टोर्नाडो ग्लोवाल वाला स्ट्रेटजी सिखाता हूँ. देखो, ये एक रशियन स्ट्रीमर है और इसके स्ट्रीम में मैं 2-3 दिन पहले खेलने गया था, और ये वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2 बार जीत चुका है, तो यूरोपियन चैंपियनशिप 3 बार जीत चुका है, इसके दोस्त ने मुझे बताया. और इसके ओपोनेंट में अभी मैं हूँ, तो ये एक एक्यूरेसी प्लेयर तो हो गई. तो देखते हैं इसको मैं टोर्नाडो ग्लोवाल लगा के कैसे डिफीट करता हूँ, ठीक है. हालांकि ये एक्यूरेसी और स्पोर्ट प्लेयर था, बट इसमें फ्रीस्टाइल नाम का चीज़ था ही नहीं. आप लोग ग्लोवाल लगा के देख सकते हो, और यहाँ होल्ड कर रहा था, बट मैंने आके यहाँ पे मार दिया. अब कैसे, आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. देखो, यहाँ पे मैंने मूवमेंट तो दिखाया ही है, बट इसी के साथ इसको मैंने यहाँ पे कंफ्यूज भी किया है. पहले आप लोग ये देखो, ये 2 साल पहले का डार्क भाई का एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो का क्लिप है, जिसमें उन्होंने बताया था ग्लोवाल का कंफ्यूजिंग वाला चीज, ठीक है. इधर देखो, मुझे पता है ओपोनेंट एनिमी यहाँ पर आकर खड़ा है या फिर मुझे मारने के लिए रेडी है. अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा रश करता हूँ, ग्लोवाल लगाकर इधर से ग्लोवाल लगाता हूँ. अब देखो गाइस, मैं अगर इधर से ग्लोवाल लगाते हुए जा रहा हूँ, अब ओपोनेंट एनिमी 100% श्योर हो चुका है. मैं अगर रश करूंगा तो इधर से ही करूंगा, बट उसका ये थिंकिंग को हम लोग चेंज करने वाले हैं. हम लोगों ने इधर ग्लोवाल लगाया, अब हम लोग रश इधर से ना करके हम लोग रश करेंगे इधर से. अब देखो यहाँ पर एडवांटेज कितना बड़ा मिलता है हम लोगों को. यहाँ पर देखो ओपोनेंट एनिमी कितना इजीली सिंपल सा खड़ा है मुझे मारने के लिए, और इसको 1% अभी नॉलेज नहीं है कि मैं इसके पीछे आ चुका हूँ. ये अभी भी सोच रहा है कि मैं उधर से ही आऊँगा. और देखो गाइस, जब तक इसको पता चलेगा मैं इसके पीछे आया हूँ, तब तक तो मैं इसको उड़ा भी दूंगा. तो देखो, ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये कंफ्यूज कराने वाला ट्रिक तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, बट आप लोग ये ध्यान से देखो इसमें मैंने कैसे मारा. फिर से रिपीट कर दे. अभी मैं यहाँ पे ग्लोवा लगाने वाला हूँ, और बेसिकली बहुत सारे बंदे 2-3 ग्लोवाल ही लगाते हैं, बट यहाँ पे मैं एकदम राउंड सा कर देता हूँ, और टोर्नेडो के तरह मैं ग्लोवा लगाता हूँ 5-6 ग्लोवाल. तो 5-6 ग्लोवाल एक साथ लगाने से क्या होता है कि आगे का जो ग्लोवा लगा होता है वो ऐसे हट जाता है, और आगे वाला बंदे ने जस्ट ग्लोवा लगाते हुए ही देखा है, ठीक है. मैं कब आगे आ गया इसको पता भी नहीं है. जब तक इसको पता चल गया तब तक मैंने इसका हेलमेट उड़ा भी दिया. तो डार्क भाई ने 2 साल पहले लेफ्ट में ग्लोवा लगा के राइट में जाने वाला ट्रिक बताया था, तो अभी क्या है कि आप लोग सीधा ग्लोवाल को ही लगाते लगाते ग्लोवाल को हटा के एकदम जंप करके आगे से ही जाना है, पता भी नहीं चलेगा बंदे को, और आप लोग एकदम इनहेंस तरीके से मार सकते हो. चलो अब सीखते हैं प्रेडिक्ट एंड फायर. क्या होता है ये प्रेडिक्ट एंड फायर, इसको जानने के लिए पहले आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप देखना होगा मेरा. अब जरा बता सकते हो क्या यहाँ पे क्या हुआ? जेरोल्स भाई ने उस स्ट्रीमर को मारा और स्ट्रीमर फिर से कारोस बोल लिया. ऐसा नहीं, बल्कि आप लोग को ये देखने को बोला था कि मैंने कौन सा वाला स्ट्रेटजी यूज किया है यहाँ पे. देखो, मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं कि ओपोनेंट जब ग्लोवाल से निकलता है तब उन लोगों को दिखाई देता है और तभी मारता है गोली, ठीक है. तो मैं बताने वाला हूँ आज प्रेडिक्ट एंड फायर के बारे में. अब देखो यहाँ पे, ये देखो आगे जो बंदा है उसको मैंने देख लिया, और यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि ये इसी वाले डायरेक्शन पे आ रहा है, तभी मैंने उसी डायरेक्शन पे जंप किया और गोली मारा, और वो वहीं पर आके मर गया. तो आप लोग भी ये वाला स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने गेम प्ले पर.
और हाँ, मेरे पास आइडिया तो बहुत है, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे बहुत भरा पड़ा है मेरे पर, बट वीडियो आज का लंबा हो चुका है और मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये फ्री स्टाइल का जितने भी सारे ट्रिक्स है, जंप हेडशॉट, फ्लाइंग ग्लोबल, टोर्नेडो स्पिनर, ये सब आप सीख के रखो और इन सब ट्रिक्स में, इन सब स्टाइल को कैसे इंप्लीमेंट करें, किस टाइप में इंप्लीमेंट करें, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।